नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का प्रांतीय आंदोलन लगातार 8 दिन से जारी है, जो विकास खंड परसवाड़ा के समस्त संगठनों के अधिकार कर्मचारी जनपद पंचायत परसवाड़ा के सामने पकौड़ा बेचकर एवं अर्धनग्न होकर सांकेतिक विरोध कर प्रदर्शन कर रहा है। बता दें कि संयुक्त मोर्चा के हड़ताल में जाने से सभी विभागों के ताले बंद हैं। संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों के द्वारा आज सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं द्वारा आह्वान किया गया कि जब तक सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक इसी प्रकार हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। जैसे आपको विदित है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज 8वां दिन हड़ताल पर है। जैसे कि पता है कि शासन द्वारा जो हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम रोजगार सहायक और विभिन्न संगठनों के अधिकारी कर्मचारी अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं और उनके इस अल्प वेतन के कारण उनके परिवार का गुजर बसर हो पाना संभव नहीं है। इस बातों का हम लोग अपनी मांगों के माध्यम से ज्ञापन सौंपे और अपनी जायज़ मांगों को रखे और जो हमारी अनार्थिक मांगे हैं उसको पूरा नहीं कर रही है। हम लोग आज शासन प्रशासन को अपनी मांगों को मांगों की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोग एक सांकेतिक रूप से हमारे अधिकारी कर्मचारी आज पकौड़े बेचने रहे। इससे यह संदेश देना चाहते हैं कि इस शासनकाल में जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार है वह कितनी अधिकारी कर्मचारियों के विरोध में काम कर रही है, उनकी जो मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण आज मजबूर होकर अधिकारी कर्मचारियों को पकौड़े बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ताकि उनकी आजीविका और गुजर बसर हो सके। संयुक्त मोर्चा संगठन का सदस्य और ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिलाध्यक्ष जी, ये बताएं कि आज जो आप हड़ताल के लिए आपने जो क्या सर, इसमें हमारा उद्देश्य ये कि आज लगातार 8 दिन हो गए हम लोग जो है इस भीषण बारिश में हम लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर हम लोग पंडाल पर बैठे हैं। शासन प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति हमारी सुध लेने वाला नहीं है और ना ही सरकार हमारी बातों की ओर ध्यान दे रही है और ना ही किसी प्रकार का कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। मजबूरन हमें आज जो है पकौड़े तल करके बेचना पड़ रहा है और आज हमको अर्धनग्न स्थिति में खड़े होकर के अपनी बात सरकार के समक्ष मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करना पड़ रहा है। ये बताएं कि अभी कुछ संगठन के लोग भी वापस चले गए हैं हड़ताल से, तो क्या उनकी मांगे पूरी हो चुकी है या फिर? सर, इसमें स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे संदर्भ में बात है कि सरकार अभी सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति कर रही है, लोगों को संगठन के मुखियाओं को डरा चमका करके कई तरीके का प्रलोभन दे करके और डरा चमका करके अलग करने का प्रयास कर रही है। कुछ हमारे साथी अज्ञानतावश या यूँ कहें कि अनजाने में उनसे भूल हो गई हो या जो भी हो गया हो उसके चक्कर में वो हमसे बाहर चले गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमारे पास में जो जानकारी है उसके मुताबिक आज या कल की स्थिति में जो साथी हमारे बाहर गए वो ये 1 या 2 दिन में आपको हमारे साथ वापस नजर आएंगे। अभी तक आपके साथ में कितने संगठन के लोग साथ हैं? हमारे पास कुल 22 विभाग के 17 घटक संगठन हमारे साथ में हैं, जिसमें से APO और 1-2 संगठन जो है अभी किसी कारण से जा चुके हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। खबर समय जगत के लिए बालाघाट से संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।